राधे राधे। मैं कल ये बतला रहा था कि कर्म करने में ही अधिकार होता है अपना, फल की अभिलाषा करना या इच्छा करना, आशा करना, ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि शरीर कर्म करने के लिए मेरा है। अब उसके आगे जो प्रारब्ध है वो सब जो है अपने हाथ में, साधक के हाथ में नहीं होता है। तो कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात तो हम नहीं कुछ करेंगे ऐसा भी मन में नहीं होना चाहिए। कर्म करना ही करना है, क्योंकि शरीर इसीलिए होता है, ये मैं कल बतला रहा था। अब उसके आगे की बात यह है कि योग में स्थित होकर के कर्म को करना चाहिए, तभी कर्म योगी होता है वो, जो योग में स्थित होकर कर्म को करता है। तो योग क्या होता है? समत्वम योग उच्यते, समत्व में स्थित रहना ही योग होता है। समत्व का क्या तात्पर्य हुआ? समता में रहना। जैसे सिद्धि और असिद्धि दोनों से प्रभावित न होना, सिद्धि का तात्पर्य हुआ सफलता प्राप्त हो जाना, और असिद्धि का तात्पर्य हुआ सफलता न मिलना। किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिल पाई वो असिद्धि हुआ, सफलता मिल जाती तो सिद्धि हो जाती। तो किसी कार्य को करने में हमें लगना क्यों? क्योंकि हमारा कर्तव्य है, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा धर्म पूर्वक जो आदेश प्राप्त हुआ है, अर्थात हमारा कर्तव्य जो है वो है। तो कर्तव्य का पालन तो हमारा बहुत जरूरी कर्म है, करना ही चाहिए, इसलिए उसे कर्तव्य कहा जाता है। लेकिन सफलता मिल गई तो हम दुखी हो गए, अहंकार में आ गए, फूल के कुप्पा हो गए, तो ये क्या हुआ? ये उसका दोष हो गया कर्तव्य का। और असफलता मिल गई तो हम असफलता मिल गई तो हम नाराज हो गए, बहुत दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस और चिंता और अपना माथा पीटने लगे और अनुचित कार्य करने को सोचने लगे। ये क्या है? असफलता का दोष है। तो ये सब नहीं आना चाहिए। कर्म तो करना है, लेकिन सफलता और असफलता दोनों में बराबर रहना है। सफलता में भी अपने मन को खराब नहीं होने देना है, अर्थात अत्यधिक खुशी होकर के अपना कर्तव्य नहीं भूलना है, एक जगह अपने को टिका के रखना है, और असफलता में डिप्रेस्ड नहीं होना है, सफलता में बहुत खुशी होकर के पागल नहीं होना है, फूल के कुप्पा नहीं होना। तो ये है सिद्धि असिद्धि दोनों में एक समान रखना अपने को, अपने मन को, इसी को समत्व कहा जाता है। और समत्व ही योग है, कि योग में स्थित होकर के कर्म करना चाहिए। श्री राधे राधे, श्री राधे।